जी हाँ दोस्तों, बीबी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बुढ़ापा पेंशन नई अपडेट आई है और अब बड़ा बदलाव हुआ है, सुन लो सभी। विधवा विकलांग बुढ़ापा पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आई है। नयाब सिंह सैनी द्वारा बुढ़ापा पेंशन पर तत्काल बढ़ोतरी करने का ले लिया फैसला। नयाब सिंह सैनी ने कहा कि आज बड़ा बदलाव किया जाएगा और बुजुर्गों के खाते में तत्काल 5100 बुढ़ापा पेंशन डालने का प्रावधान भी बनाया गया है। इनके खाते में आज से नहीं बल्कि कल से यानी कि 14 तारीख से सभी बुजुर्गों के खाते में 5100 बुढ़ापा पेंशन डालने का प्रावधान बनाया गया है। इस योजना का लाभ 55 वर्ष से बुढ़ापा पेंशन मिल सकती है, 55 वर्ष के बुजुर्ग भी उठा सकते हैं। हरियाणा में 55 वर्ष से सभी बुजुर्गों के खाते में तत्काल 5100 बुढ़ापा पेंशन डालने का प्रावधान बनाया गया है और वो बुढ़ापा पेंशन उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, न किसी बिचौलियों को पैसे दे करके बुढ़ापा पेंशन लगवाने की आवश्यकता है। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है बुढ़ापा पेंशन को लेकर के तो आपको समाज कल्याण विभाग में जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपने बुढ़ापा पेंशन तत्काल अपडेट करवानी होगी, जिससे अगर जो आपकी बुढ़ापा पेंशन किसी कारणवश रुक गई है तो वो भी आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों हरियाणा एक ऐसा बुढ़ापा पेंशन लेकर के नई अपडेट आई है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी बुजुर्गों को लाभ मिलता है। हरियाणा में हर बुजुर्गों को 5100 बुढ़ापा पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया है और वो कल से सभी बुजुर्गों के खाते में यानी कि कत्की के शुभ अवसर पर सभी बुजुर्गों के खाते में 5100 बुढ़ापा पेंशन डालने का प्रावधान बना दिया गया है। ये बुढ़ापा पेंशन देश के असंगठित क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग विधवा विकलांग पेंशन को दिया जाता है।